जेल दे विच बंद कांग्रेस लीडर लक्की संधू पीजीआई दी थां पहुंचिया व्याह च भंगड़े पाउण दी वीडियो आई सामने। जेल तो पुलिस कस्टडी दे विच लजाया गया सी हस्पताल। जेल विभाग दे वल्लों जांच जारी। सियासी सफा च फिर जोर फंड लगी अकाली बीजेपी गठजोड़ की चर्चा। सीनियर अकाली लीडर सुरजीत रखड़ा बोले बीजेपी नाल अलायंस नूं लैके चल रही है गल, दोवें पार्टियां चाहुंदियां ने कि होवे समझौता। इंडिया अलायंस के विचाले पंजाब के आप गठजोड़ लैके राजा वड़िंग का वड्डा बयान। क्या सारिया 13 लोकसभा सीटों से चोण लड़न की कर रहे हैं तैयारी। गठजोड़ लैके हाईकमान तो नहीं मिलिया कोई निर्देश। सिद्धू मूसेवाले के पिता दे लोकसभा चोण लड़न लैके राजा वड़िंग का वड्डा बयान। बोले जे चोण लड़न की इच्छा जताउणगे तां स्वागत करांगे। फिलहाल मूसेवाले के पिता ने अजिही कोई गल नहीं की। राजस्थान के नवे सीएम नूं लैके हलचल तेज। थोड़ी देर दे विच राजस्थान दे विच बीजेपी विधायक दल की बैठक। ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह साबका सीएम वसुंधरा राजे नाल कर रहे ने मीटिंग। कैश कांड नूं लैके पीएम मोदी ने कांग्रेस से बोलिया वड्डा हमला। कांग्रेस नूं क्या डकैत। बोले भारत दे विच मनी हीस्ट फिक्शन की किसनों लोड़, क्योंकि इत्थे है कांग्रेस पार्टी जो 70 साल तो कर रही है लुट। नेहरू ते दित्ते बयान नूं लैके राहुल गांधी का केंद्रीय गृह मंत्री नूं जवाब। क्या अमित शाह नूं नहीं पता इतिहास। नेहरू ने देश के लिए अपनी जिंदगी दित्ती, बीजेपी करना चाहती है गुमराह। जेएंडके नैशनल कॉन्फ्रेंस के मुखी फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। सूबे बारे एक सवाल पूछे जाने बोले जहन्नुम दे विच जावे जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के मामले च हाई कोर्ट के विच दाखिल पटीशन से हुई सुनवाई। सरकार का तर्क मध्य प्रदेश अते उत्तर प्रदेश के विच चल रही अजिहियां योजनावां तां हाई कोर्ट का सवाल आम लोगों का पैसा इन स्कीमां ते किवें लगाया जा रहा। पंजाब सरकार ने तरपाला खरीदने की शक्की प्रक्रिया रोकी। सीएम भगवंत मान ने प्रक्रिया से रोक के नाल नाल टेंडर मामले की जांच के दिए हुक्म। फूड सप्लाई विभाग के सकत्तर तो मंगी रिपोर्ट। अज श्रोमणी अकाली दल मना रहे अपना स्थापना दिवस। श्री दरबार साहिब नतमस्तक हुए तमाम अकाली लीडर। सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल ने की जोड़े अते बर्तन साफ करने की सेवा। मनकीरत औलख के दोस्त एंडी धुग्गा के शोरूम से फायरिंग करने वाला काबू। कैनेडा पुलिस ने 23 साल के तनमनजोत सिंह गिल नूं गिरफ्तार किया। फायरिंग करने वाले दूजे मुलजम की तलाश जारी। अमृतसर पुलिस ने दबोचे 4 ड्रग समगलर से 1 हथियार तस्कर। मुलजमान के कोलों 3 किलो हैरोइन से 13 पिस्टल बरामद। बार्डर पार पाकिस्तान तो लिया गई से हैरोइन। 9 लाख की ड्रग मनी भी बरामद। सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे पंजाब की सियासत नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। अकाली दल के सीनियर लीडर सुरजीत रखड़ा के वल्लों वड्डा बयान दिता गया। यह वड्डा बयान है अकाली दल बीजेपी गठजोड़ नूं लैके। सुरजीत रखड़ा का कहना है कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल चल रही है, बहुत ज्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। इतों तक उन्होंने वालों साफ किया गया है कि बहुत ज्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। अकाली दल और बीजेपी दोवें गठजोड़ चाहते हैं। यह भी सुरजीत रखड़ा के वालों कहा गया कि अकाली दल और बीजेपी दोवें गठजोड़ चाहते हैं। हालांकि इस गठजोड़ की गल की जाए तो समय समय से लगातार अजिहियां चर्चावां जरूर चलियां, पर कितना ना कितने वह सिरे चढ़ता होया नजर नहीं आया। हालांकि इस विचाले तरह तरह के बयान भी सामने, क्योंकि जेकर इस गठजोड़ की गल की जाए तो दूरियां कदों पईयां। जदों दरअसल किसानों के वालों खेती कानून का विरोध किया जा रहा है, दिल्ली के मोर्चा लगाया सी, तो किसानों का दरअसल रोस, किसानों का प्रदर्शन ही गठजोड़ टुटण की वजह बनी। हालांकि उस तो बाद गल की जाए तो 2022 दी चोणां तो पहला भी बहुत सारिया चर्चावान चलिया, चोणां तो बाद चर्चावान बहुत सारिया चलिया कि मुड़ तो जिहड़ा कि अकाली दल ते बीजेपी इकट्ठे हो सकते हैं, मुड़ तो गठजोड़ हो सकता है, पर अजे अजे तक नहीं हो सकिया। हालांकि इस विचाले कई तरह के वक्फ लीडरों के वालों दावे जरूर किए जाते रहे हैं, पर इस विचाले सुरजीत सिंह रखड़ा के इस बयान के मायने बहुत सारे कढ़े जा सकते हैं। सुरजीत सिंह रखड़ा एक कद्दावर नेता ने, अकाली दल के सीनियर लीडर ने, अकाली दल की सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने वालों दरअसल वड्डा बयान दिता गया कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल चल रही है। एक तो उन्होंने इस गल की पुष्टि की है, तो उन्होंने ये भी बहुत आसवंद होकर कहा कि बहुत ज्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। अकाली दल और बीजेपी दोवें गठजोड़ चाहते हैं। सुरजीत सिंह रखड़ा के वाले भी वड्डा बयान दिता गया है कि अकाली दल और बीजेपी दोवें गठजोड़ चाहते हैं।
इस तरह की तैयारी है, बीजेपी ने गठजोड़ हो चुका है, नहीं होगा आने वाले समय के, है संभावना कुछ? देखो ये तो गुरु में पता भी संभावना तो पूरी हो भी सकता है, पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है, 24 घंटे तैयार है। बीजेपी ने कोई संपर्क किया थोड़े अकाली मुख? गल चल रही है जी, गल चल रही है, अपने सतसुखबीर सिंह बादल भी आए सी, जो दर्शन सिंह आए ने इत्थे, ते उन्होंने गल की भी तुसी गल करो क्योंकि मोदी साहब ने उन्होंने बहुत वधिया, ते वो गल चलती है, देखो हुण कितें लगती है, तो गुरु नूं पता जी कित्थे जा गल हो सकदा है, बहुत चांस ने जी, बहुत चांस ने, बीजेपी भी चाहती है, श्रोमणी अकाली दल भी चाहता है कि यह समझौता हो। किस तरह की तैयारी है, बीजेपी नाल गठजोड़ हो जूगा नहीं होगा आने वाले समय के, है संभावना कुछ? देखो ये तो गुरु नूं पता भी संभावना तो पूरी है, हो भी सकता है, पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है, 24 घंटे तैयार है। बीजेपी ने कोई संपर्क किया थोड़े अकाली मुख? गल चल रही है जी, गल चल रही है, अपने सतसुखबीर सिंह बादल भी आए सी, जो दर्शन सिंह आए ने इत्थे, ते उन्होंने गल की भी तुसी गल करो क्योंकि मोदी साहब ने उन्होंने बहुत वधिया, ते वो गल चलती है, देखो हुण कितें लगती है, तो गुरु नूं पता भी कित्थे जा गल हो सकदा है, बहुत चांस ने जी, बहुत चांस ने, बीजेपी भी चाहती है, श्रोमणी अकाली दल भी चाहता है। सो साडे नाल श्रोमणी अकाली दल दे आगू हर्षदीप कलेर जुड़ चुके हैं। कलेर साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। कलेर साहब, सुरजीत सिंह रखड़ा सीनियर लीडर ने अकाली दल दे उन्हां दे इस बयान दे हुण मायने की कढ़े उन्होंने, साफ तौर पर कहा कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लै के गल चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। देखो तेजा जी, कोई भी जिहड़ा गठजोड़ है वह मुद्दियां ते आधारित हुंदा, श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी का जदों गठजोड़ रहा भी है तो वह मुद्दियां का गठजोड़ सी, वह पंजाब की बेहतरी का गठजोड़ सी, वह अमन शांति ते भाईचारक सांझ का गठजोड़ सी, ते गठजोड़ दे विच श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब दे ते कौम दे बहुत वड्डे मसले हल भी कराए ने, डिवेलपमेंट भी कराई है, बंदी सिंघां दी गल भी उत्थे होई है, काली सूची दी गल भी खत्म कराउण दी होई। सो अज जिहड़ा रखड़ा साहब का बयान है उहदियां जिहड़ियां डिटेल्स ने उह तां रखड़ा साहब ही तुहाडे नूं बेहतर दे सकदे ने, पर हाँ मैं एक गल जरूर समझदा कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब दी खेतरी पार्टी है ते श्रोमणी अकाली दल दे लई पंजाब पहलां, सो कोई भी ऐसी पार्टी जिहड़ी कि पंजाब दी अगर गल करूगी, क्योंकि साडे कुछ पंजाब दे मुद्दे ने, साडा SYL दा इक बहुत वड्डा मुद्दा है, साडा किसानां दी MSP यकीनी बनाउण दा इक बहुत वड्डा मुद्दा है, ते साडी कौम दा इक वड्डा मुद्दा जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई है, सो अगर इस मुद्दियां ते कोई गलबात अगे वधूगी इह तां ही गल चल सकदी है, पर क्योंकि ये जिहड़े फैसले ने ये पार्टी हाईकमांड ते जिहड़े पार्टी दे प्रधान ने उन्हां दे लेवल दे फैसले ने, सो मैं ज्यादा टिप्पणी इस गल ते नहीं कर पाऊंगा जी। और रखड़ा साहब बेहतर दस सकते हैं कि किस तरीके नाल वो इस तरीके गल जिहड़ी उन्होंने की है वो डिटेल वो ज्यादा देणगे, पर हाँ श्रोमणी अकाली दल का मुख बुलारा होने के नाते मैं गल कह सकता कि श्रोमणी अकाली दल ने जदों भी कोई गठजोड़ पहला भी किया ते अगे भी करेगा या अज भी जिहड़ा साडा बहुजन समाज पार्टी दे नाल है, काफी नजदीक है, दर्शन सिंह धालीवाल के वालों ही कितना कितने दोवां पार्टियां दे विचकार गलबात नूं अगे तोरिया जा रहा जो सुरजीत सिंह रखड़ा कह रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल कहूंगा जी कि उहदियां डिटेल्स किस लैवल ते गलबात हो रही है, किवें उहनां नूं गलबात करन दे लई कहा, उह डिटेल्स बेहतर रखड़ा साहब दे सकदे ने। मैं पार्टी का मुख बुलारा होने के नाते सिर्फ एक गल कह सकता कि पार्टी ने जदों भी कोई पोलीटिकल फैसला लिया वो पंजाब नूं केंद्रित करके लिया, पंजाब की बेहतरी वास्ते। ठीक है कलेर साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न वास्ते। स्वर्शदीप सिंह कलेर जुड़े, हालांकि उन्होंने कहना है कि जिहड़ा कि पूरा यह अधिकार है ये श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के कोल है, उन्होंने तय करना है कि गठजोड़ होगा या नहीं, ना उन्होंने भी कहा कि इस बारे ज़्यादा जानकारी सुरजीत रखड़ा दे सकते हैं, पर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर सुरजीत सिंह रखड़ा के वालों बहुत वड्डा बयान दिता गया, उन्होंने कहना है कि बीजेपी नाल गठजोड़ लैके गल चल रही है, इस गल की पुष्टि की है, तो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा चांस ने कि यह गठजोड़ सिरे चढ़ जाएगा। बीजेपी ने गठजोड़ हो जूगा नहीं होगा आने वाले समय के, है संभावना कुछ? देखो ये तो गुरु नूं पता भी संभावना तो पूरी है, हो भी सकता है, पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है,
24 घंटे तैयार है। बीजेपी ने कोई संपर्क किया थोड़े अकाली मुख? गल चल रही है जी, गल चल रही है। अपने सतसुखबीर सिंह बादल भी आए सी, दर्शन सिंह आए ने इत्थे, ते उन्होंने गल की भी तुसी गल करो क्योंकि मोदी साहब नाल उन्होंने बहुत वधिया, ते वो गल चलती है। देखो हुण कितें लगती है, तां गुरु नूं पता जी कित्थे जा गल हो सकदा है। बहुत चांस ने जी, बहुत चांस ने। बीजेपी भी चाहती है, श्रोमणी अकाली दल भी चाहता है कि समझौता हो। तुहानूं इह पूरा बयान सुनाया। दरअसल श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर सुरजीत सिंह रखड़ा जिहड़े कि अकाली सरकार वेले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, उन्होंने दे दरअसल वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहना है कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल चल रही है, बहुत ज़्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। नाल ही उन्होंने वालों जिक्र हवाला दर्शन सिंह धालीवाल का दिता गया, क्योंकि दर्शन सिंह धालीवाल जिहड़े कि सुरजीत सिंह रखड़ा के वड्डे भरा ने, अमरीका दे विच वड्डे बिजनेसमैन ने। उन्होंने वालों ये जिक्र किया गया कि मोदी सरकार के वधिया उन्हों की नज़दीकी है, तो उन्होंने वालों पूरी गलबात तोरी जा रही है। ऐसे ये भी जिक्र योग है कि जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए सन, अमेरिका दौरे पर गए सन, तो उस दौरान भी दर्शन सिंह धालीवाल जी उन्होंने मुलाकात की गई सी, वो भी काफ़ी नज़दीक उस वेले नज़र आए सन। तो इस विचारे हुण सुरजीत सिंह रखड़ा के वालों ये वड्डा बयान दिता गया। तो साडे नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। गरेवाल साहब, ये बहुत वड्डा बयान है सुरजीत सिंह रखड़ा जिहड़े कि अकाली दल के सीनियर लीडर ने, उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। नाल ये भी कह रहे हैं कि अकाली दल ते बीजेपी दोवें गठजोड़ चाहुंदे ने। सुरजीत सिंह रखड़ा उन्हां दी अपनी सोच हो सकती है, उन्हां दी कोई जानकारी हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी जो अजे तक इतने इदा भी फैसले होंगे आपसी गलबात होंगी है, और साढ़े को सलाह मशवरा भी किया जाता, समूहिक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी ने जो अजे तक सानू दस्या गया पंजाब की लीडरशिप को, यही कह गए कल लड़ना तैयारी करो, और असं उस तैयारी लगे हुए हैं। साड़ी अभी भी मीटिंग चल रही है, साढ़े प्रभारी आए हुए हैं विजय रूपाणी जी, सबका मुख्यमंत्री, और कल भी मीटिंग सुनिया है ने, जे कोई गल आएगी तो जरूर डिस्कलोज करा, पर अजे तक कोई गल नहीं, ये उन्होंने जानकारी हो सकती है जरूरी है जे उन्होंने कोई कितने गल हुई है, पर मैनू इस चीज की जनरल पार्टी को पंजाब में कोई जानकारी नहीं। अग्रवाल साहब, जिस तरीके दे नाल जो बयान सुरजीत रखड़ा दे, उस तो यही मायने कढ़े जा सकते कि कितने ना कितने गल जिहड़ी आ तुरी है, गल अगे वधदी हुई नजर आ रही है, जेकर उहनां दे बयान दा जिक्र किया जाए तो जो साडे प्रक्रिया अडोप्ट की जाती है पार्टी सुनी फैसले होंगे, पहला जे कोई इदां दी गल होवे तो सानूं दस्सिया जाता जरूर, और उस तरह की तैयारी करने वास्ते भी कहा जाता, वो अजे तक कोई गल अजे तक समझौते के मामले सबको यही कहा गया कि असं कल ही लड़ना और ज्यादा लोग नहीं रहेगा, सारिया सीटा तैयारी करने को कहा, असं उही तैयारी उही कर रहे हैं, उही तैयारी कर रहे हैं। साढ़े सेंट्रल मिनिस्टर भी अलग अलग सीटा के इंचार्ज लगाए हुए हैं जो मीटिंग लैन वास्ते आए। गरेवाल साहब, पंजाब लीडरशिप, पंजाब बीजेपी लीडरशिप की की आवाज है, पंजाब बीजेपी की चाहती है? आर्मी वाला हिसाब है जी, असं सिपाही हाँ, जो जो फैसला हो जाता उस फैसले लैके असं अगे चलते हैं, जे सानू कहणगे समझौता करना ठीक है, कहणगे जे कहणगे अलग चलना तो असं अलग चल ही रहे हैं सारी। ठीक है गरेवाल साहब, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े जुड़न वास्ते। हरजीत गरेवाल बीजेपी आगू जुड़े, उन्होंने वालों तो यही कहा गया कि अजे तक उन्होंने को अजि कोई भी जानकारी नहीं, उन्होंने तक अजि भी कोई जानकारी नहीं पहुंची। पर सुरजीत रखड़ा जरूर यह गल कह रहे हैं कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल चल रही है। दरअसल अकाली दल के सीनियर लीडर सुरजीत सिंह रखड़ा के वालों यह वड्डा बयान दिता गया, उन्होंने कहना है कि बीजेपी नाल गठजोड़ नूं लैके गल भी चल रही है, तो बहुत ज्यादा चांस ने कि गठजोड़ हो जाएगा। रुक करांगे अगली वड्डी खबर दा। पटियाला के श्री काली माता मंदिर के बेदबी की कोशिश की गई है, शख्स ने मंदिर के पहुँच के बेदबी की कोशिश की है, पुलिस ने मुलजम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सो पटियाला के जुड़ी हुई वड्डी खबर है जिथे कि बेदबी की कोशिश की गई है, हालांकि पुलिस के वालों उस तो बाद तुरंत हरकत में आंदा मुलजम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरअसल पटियाला
श्री काली माता का जो मंदिर है उस मंदिर के बेदबी एक शख्स के वालों कोशिश की जाती है। शख्स ने मंदिर के पहुँच के बेदबी की कोशिश की, उस तो बाद मौके पर जो पुलिस मुलाजम अधिकारी सन वह तुरंत हरकत के आते हैं। हालांकि मुलजम मौके पर ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। तुहानू दरअसल पटियाला दीआं तस्वीरां विखा रहे हैं। इसे पटियाला दे श्री काली माता मंदिर के बेदबी की कोशिश की जाती है एक शख्स के वलों, इस दौरान पुलिस के वलों मुलजम नूं मौके तों ही हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। देखो असी अपने अपने दफ्तरों के बैठे थे जी, सानू अचानक सूचना मिलती है कि अच्छ फिर जिस तरह पहला बेदबी हुई थी, एक बंद ने सिंघासन से चढ़न की कोशिश की है। जो असी पहुंचे तो DSP साहब उसनू फड़ के गिरफ़्तार करके इतने गड्डी पा रहे थे। असी उन्होंने फड़िया भी है, असी वो बंदा DSP साहब तो खोन की कोशिश करी, लेकिन DSP साहब उन्होंने बचा के ले गए ने पुलिस कस्टडी ले गए ने। अज एक बड़ी मंदभागी जड़ी दिल नू दुखी करन वाली घटना है, वो काली माता मंदिर च हो चली सी, पर पुलिस प्रशासन के टाइमली इंटरवेंशन नाल ते प्रॉम्प्ट रिस्पोंस नाल उस घटना नू अंजाम देन तो रोकिया जा सकिया। मनदीप नाम का एक व्यक्ति जिहड़ा कि मैडिकल कॉलेज पटियाला दे बैकसाइड का रहण वाला है, वो इत्थे मत्था टेकन आया सी। मत्था टेकन तो बाद उन्हें मूर्ति दे माता दी मूर्ति दे कोले जाण दी कोशिश कीती, ते इमीडिएटली उन्हूं मौके तो ही SP सिटी DSP सिटी 1 SHO सुबान सारे इत्थे पहुँचे, मैं आप इत्थे पहुँचे हाँ, ते उस इंसान नू मौके तो ही असी राउंड अप कर लिया। देखो असी अपने अपने इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके ने। मनोज विस्तार नाल समझना चाहांगे कि आखिरकार कदों की पूरी घटना ते किवें उस तो बाद मुलजम नू गिरफ्तार किया जाता है। जी बिल्कुल परमिंदर, कुछ समा पहला की यह घटना है, जदों एक व्यक्ति माता दे मंदिर दे विच मत्था टेकन दे नाल आउंदा ते जिवें ही श्रद्धालु जिवें होर खड़े हुंदे ने मत्था टेकदे ने तां हो माता दे मूर्ति दे अगे जिहड़ी ग्रिल लगी हुई है उहनूं पार करके माता दी गोलक कोल जाण दी कोशिश करदा, पर मौके ते जिहड़े पुजारी सी जिहड़े सेवादार उत्थे खड़े सी उहनां ने फौरन उस नूं काबू कर लिया ते फौरन पुलिस नूं सूचित कीता। कुछ मिंटां च पुलिस पहुंचदी है ते उस नूं काबू करके लै जांदी है। सो उक्त व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया हैगा ते उस तों बाद हिंदू संगठनां दी मीटिंग हुई, उहनां ने इस मामले सख्त कार्रवाई की मांग की। SSP वरुण शर्मा, सरफराज आलम SP सिटी, SDM इशमत विजय सिंह सारे जिहड़े अधिकारी ने उत्थे पहुंचे ने ते हालात का जायजा लिया। फिलहाल हिंदू संगठनों को भरोसा दिता गया कि जो भी इस व्यक्ति ने इस तरह की कोशिश की है उसके खिलाफ कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाऊगी। फिलहाल उसने हिरासत से लिया गया परमिंदर, ते 3 बजे तो बाद एक जिहड़े हिंदू संगठन ने उन्होंने एक मीटिंग भी होने जा रही है जिदे विच अगली रणनीति नूं लैके गलबात की जाऊगी, पर फिलहाल माहौल बिल्कुल शांत है ते पुलिस दे अधिकारी ते होर सुरक्षा कर्मचारी उत्थे मौजूद ने। जी परमिंदर। हां ठीक है मनोज, पूरी जानकारी लई बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पटियाला दे श्री काली माता मंदिर दे विच बेदबी दे एक शख्स दे वल्लों कोशिश की जाती, हालांकि उस तो बाद जिवें जानकारी पुलिस तक पहुंची SSP होर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं ते मुलजम नूं मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।